हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचन में। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी वार्म फिश करी बनाने की रेसिपी। वार्म फिश एक टाइप की ईल फिश होती है और वो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर है दीपाली चव्हाण, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं वार्म फिश करी की रेसिपी शेयर करूं। वार्म फिश को मराठी में मुंबईची वार्म बोलते हैं। आज की ये वीडियो खास दीपाली के लिए। आई होप उनको ये रेसिपी पसंद आएगी और आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ईल फिश या वार्म फिश की करी। ये है वार्म फिश के टुकड़े, ये आधा किलो है। सबसे पहले हम इसे हल्दी, हींग और नमक के साथ कढ़ाई में फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में मैंने डाला है 3 चम्मच तेल। ये डाली मैंने 1.5 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा हींग। अब मैं इसमें वार्म फिश के टुकड़े डाल दूंगी और 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई कर लूंगी। ये डाले मैंने वार्म फिश के सारे टुकड़े। इसे अच्छे से तेल में मिला लूंगी। अब मैं इसमें 2 चम्मच नमक डाल दूंगी। करी का पूरा नमक मैंने यही डाल दिया है, बाद में करी में मैं नमक नहीं डालूंगी। नमक की वजह से अब ये मछली पानी छोड़ देगी। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखकर ही हम इस पूरे पानी को सुखा लेंगे। इस मछली की ये खासियत है कि जैसे जैसे ये कुक हो जाती है ये सिकुड़ने लगती है, ये आसानी से टूटती नहीं है। आप देख सकते हैं मैं इसे आराम से हिला सकती हूँ पर यह टूट नहीं रही है। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखकर मैं इसका पूरा पानी सुखा लूंगी और बाद में इसे हम निकाल लेंगे। देखिए अब लगभग सारा पानी सूख चुका है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब इस फ्राई की हुई वार्म फिश को मैं साइड में रख देती हूँ और अब आपको बताती हूँ मैं मसाले कौन कौन से लेती हूँ हमारी वार्म फिश की करी के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ ली है, ये है अदरक, ये है सूखा नारियल थोड़ा सा है स्लाइस किया हुआ, ये है एक मीडियम साइज प्याज है उसे मैंने चॉप कर लिया है, और ये एक छोटा सा टोमेटो है उसे भी मैंने चॉप कर लिया है, और ये है हरा धनिया, ये है 2 चम्मच कांदा लहसुन मसाला, और ये है फिश करी मसाला 1 चम्मच, और ये थोड़ा सा कोकम है, ये ऑप्शनल है। तो चलिए अब इन सब का मैं पेस्ट बना लेती हूँ मिक्सर में। ये देखिए मैंने इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ फिश करी बनाना। ये वही कढ़ाई है जिसमें हमने फिश के पीसेस फ्राई कर लिए थे, तो उसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाला और तेल में मैंने डाला कांदा लहसुन मसाला। आप रेगुलर जो मसाला यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये जो हमने पेस्ट ग्राइंड की थी मिक्सर में वो डाल दूंगी मैं सारी की सारी, और इसे अच्छे से मसाले के साथ हम फ्राई कर लेंगे जब तक कि मसाला तेल न छोड़ दें। ये देखिए अब मैंने डाला फ़िश करी मसाला। अगर आपके पास फ़िश करी मसाला नहीं है तो आप उसकी जगह मटन मसाला या फिर चिकन मसाला भी डाल सकते हो। ये देखिए अब मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी फ़िश के फ्राई किए हुए टुकड़े। ये फ़िश लगभग 70 से 80% तो कुक हो चुकी है, अब हम सिर्फ करी में उसे 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। इसे अच्छे से मसाले में मिला लूंगी मैं।
आप देख सकते हैं ये मछली के टुकड़े बिल्कुल टूट नहीं रहे हैं। वार्म फिश की यही खासियत होती है और टेस्ट तो सबसे बढ़िया होता है इसका। देखिए फिश पीसेस अच्छे से मसाले से कोट हो चुके हैं। अब मैं इसमें गरम पानी ऐड कर दूंगी। ध्यान रखिए ठंडा पानी बिल्कुल भी करी में मत डालिए, अदरवाइज़ करी का टेस्ट पूरा चला जाएगा। इसमें गरम पानी ही डालिए। आपको जितनी करी चाहिए उतना पानी आप इसमें ऐड कर दीजिए। मैंने 2 से 3 ग्लास पानी इसमें डाला है और मैंने साथ ही साथ कोकम भी डाल दिया था। कोकम की जगह आप नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए करी को अच्छी तरह से उबाल आ रहा है और मैंने उसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया है। अब मैं इसे 5 से 6 मिनट के लिए उबलने दूंगी। मैंने करी थोड़ी सी टेस्ट कर ली थी, नमक थोड़ा सा कम था इसलिए मैंने नमक भी ऐड कर दिया। अब चलिए करी को उबलने देते हैं और बाद में आपको दिखाती हूँ हमारे करी का टेक्सचर। ये देखिए अब ये इतनी गाढ़ी हो चुकी है, ये पिछले 5-6 मिनट से उबल रही थी। अब बस मैंने गैस बंद कर दी है और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया मैंने डाल दिया है। चलिए अब मैं इसकी प्लेटिंग कर देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी वार्म फिश की करी। चावल के साथ ये बहुत अच्छी लगती है खाने के लिए, आप ज़रूर ट्राई करना। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइज। चलो बाय बाय।